प्रदेश के परिवहन कार्यालयों की सूरत अब बदलने वाली है। परिवहन कार्यालयों के बाहर लगने वाला दलालों का जमावड़ा अब खत्म होने वाला है। और इतना ही नहीं, परिवहन कार्यालय में अब आपको पासपोर्ट ऑफिस के जैसा माहौल मिलने वाला है। परिवहन कार्यालय का नाम जहन में आते ही एक ऐसे कार्यालय की छवि सामने आती है जहां आज भी अपना सामान्य काम कराने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है। ज्यादातर काम ऑनलाइन होने के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस जैसी प्रक्रिया के लिए भी लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अब परिवहन विभाग का ये ढर्रा और छवि दोनों ही जल्द बदलने वाली है। बहुत जल्द प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालय अब निजी कार्यालयों की तरह दिखने वाले हैं। परिवहन विभाग प्रदेश के सभी 12 आरटीओ कार्यालयों में पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर फ्रंट ऑफिस विकसित करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। फ्रंट ऑफिस डेवलप होने के बाद सभी आरटीओ कार्यालयों का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। जहां कार्यालयों के बाहर से दलालों का जमावड़ा और दखल खत्म होगा, वहीं लोगों को अपने काम कराने में सुविधा होगी। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। परिवहन कार्यालयों में फ्रंट ऑफिस सुविधा शुरू करने के लिए परिवहन विभाग जल्द ही टेंडर करने वाला है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि प्रदेश के लोगों को सुविधा देने की मंशा के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में सभी परिवहन कार्यालयों में फ्रंट ऑफिस विकसित करने की घोषणा की थी। फ्रंट ऑफिस के जरिए जिस तरह पासपोर्ट ऑफिस में सिस्टमैटिक तरीके से लोगों का काम होता है, उसी तरह से अब प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में भी लोगों के काम आसानी से हो सकेंगे। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी कंसल्टेंट कंपनी डेलॉइट के साथ कई बार बैठकें कर चुके हैं। 12 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में होगी शुरुआत। जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, अलवर, पाली, सीकर, चित्तौड़गढ़ और दौसा। फ्रंट ऑफिस विकसित होने से बदलेगा काम का तरीका। ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन के काम हो सकेंगे। पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर सभी परिवहन कार्यालयों में काम होगा। आवेदकों को ऑनलाइन अप्लाई ही करना होगा। कार्यालय पहुंचने पर संबंधित कंपनी आवेदनकर्ता को टेकअप करेगी। संबंधित कंपनी का स्टाफ एक कार्यालय में कम से कम 6 कर्मचारियों का होगा। इनका काम आवेदनकर्ता के दस्तावेजों की स्क्रूटनी करने का होगा। पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर आवेदनकर्ताओं को वेटिंग रूम में बिठाकर टोकन प्रणाली से अंदर भेजा जाएगा। फ्रंट ऑफिस में ई मित्र की फैसिलिटी भी लोगों को देनी होगी। आवेदनकर्ता को परिवहन कार्यालय में इधर उधर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तय समय के अंदर आवेदनकर्ता का काम हो सकेगा। दलालों के चंगुल से आवेदनकर्ताओं को मुक्ति मिलेगी। लोगों के समय और धन दोनों की बचत हो सकेगी। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी का फोकस लगातार विभाग में नवाचार करने पर ही है। ऐसे में सीएम की फ्रंट ऑफिस विकसित करने की घोषणा को लेकर महेंद्र सोनी काफी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। सोनी की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस योजना को मूर्त रूप देकर लागू किया जा सके, जिससे लोगों को तो राहत मिले ही परिवहन विभाग की छवि में भी बड़ा बदलाव आ सके। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।